नमस्कार साथियों साथियों, समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर जारी हुआ है। पत्र 2 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे इसका विषय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में पूर्व तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने विषय। साथियों काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनकी मांगी गई है। अब जो पत्र है इसके मायने हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को हम यहाँ पर अवगत कराना चाहेंगे। इसमें जैसा कि विषय में स्पष्ट किया गया है, पूर्व तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी, यानी कि पिछले शैक्षिक सत्र में समस्त शासकीय विद्यालयों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जितने भी आवेदन प्राप्त हुए थे, प्रत्येक संस्था पर जो भी आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज होगी। आइए इसका अवलोकन करते हैं और इसके मायने को समझने का प्रयास करते हैं। विषय अंतर्गत शैक्षिक सत्र 23-24 में शाला प्रभारियों द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों की जिस मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया हो, विद्यालय स्तर पर तैयार समस्त पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को जीएफएमएस पोर्टल पर नियम अनुसार प्रक्रिया अनुसार दर्ज कराएं। यानी कि आप यहां समझ लें, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पिछले शैक्षिक सत्र में जिस मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक का चयन किया गया है और विद्यालय स्तर पर जो पैनल तैयार किया गया है उसकी जो मेरिट सूची बनी है उसको जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करना है। जो चयनित अतिथि शिक्षक है उसकी जानकारी भी, और उसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अतिथि शिक्षक के लिए आए थे उनकी भी जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज होगी। बिंदु देखते हैं, विद्यालय स्तर पर 23-24 में तैयार पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यानी कि जो संबंधित संस्था प्रमुख हैं उनके लॉगिन पर और संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर ये जानकारी ऐड करने की जो सुविधा है वह जीएफएमएस पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य पूर्व से तैयार पैनल की प्रविष्टि हेतु संबंधित आवेदक यूजर नेम, जो कि संबंधित का मोबाइल नंबर होगा अतिथि शिक्षक का, की प्रविष्टि करेंगे तथा मेरिट के क्रम में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया है उसके समक्ष रिमार्क कॉलम में चयनित लिखें। यानी कि जिसका चयन हुआ है उसके रिमार्क के कॉलम में चयन आएगा, और यदि मेरिट क्रम अनुसार चयन नहीं किया गया है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के समक्ष उसका कारण अंकित करेंगे। यानी कि मेरिट के क्रम में किसी कारणवश चयन नहीं कर पाए या अन्य अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हुआ है तो वहां पर कारण अंकित करेंगे कि इनका चयन क्यों नहीं किया गया है। यदि पैनल की जानकारी प्रविष्टि करते समय किसी आवेदक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने पर नो रिकॉर्ड फाउंड प्रदर्शित होता है तो इसका तात्पर्य है संबंधित आवेदक द्वारा अपना यूजर नेम, यानी कि जो कि उसका मोबाइल नंबर होता है, परिवर्तित करा लिया गया है। अतः शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य संबंधित आवेदक से उसका वर्तमान में स्कोर कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर प्राप्त कर उस नंबर से पोर्टल पर प्रविष्टि करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अतिथि शिक्षक साथी अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब मोबाइल नंबर चेंज होगा तो उनका जो यूजर नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पैनल में जो अतिथि शिक्षक हैं उनके नवीन स्कोर कार्ड में जो मोबाइल नंबर है आप उसको उनसे प्राप्त कर लें और उसके आधार पर उनकी जानकारी आप दर्ज कर दें। विद्यालयवार विषयवार पैनल सत्र 2023-24 की जानकारी को शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य 5 जुलाई 2024 तक पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। संकुल अंतर्गत समस्त शालाओं की अंतिम रूप से प्रविष्टि कराने का दायित्व संकुल प्राचार्य का होगा। यह प्रविष्टि दिनांक 6 जुलाई 2024 तक अनिवार्यता पूर्ण हो जाए इसे जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें। उक्त कार्य की जिला शिक्षा अधिकारी समीक्षा कर समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं। समय सीमा में कार्रवाई न करने पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। के द्विवेदी जी के हस्ताक्षर से जो पत्र जारी हुआ है इसमें वो मैनुअल भी प्रदर्शित हो रहा है जिसके तहत अतिथि शिक्षकों की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करनी है। जो आप जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का मॉड्यूल रहेगा, इसमें स्कोर कार्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो निर्देश हैं इनके काफी कुछ मायने हो जाते हैं और जैसा कि हम लगातार कहते आए हैं इससे कहीं ना कहीं जीएफएमएस पोर्टल पर एक चीज स्पष्ट होगी कि कितने आवेदक जो मेरिट के क्रम में संबंधित संस्था पर आवेदन आए थे और उनमें से किसका चयन पिछले शैक्षिक सत्र में हुआ था, और उस आधार पर संबंधित जो अतिथि शिक्षक हैं वो प्राथमिकता के तौर पर आने वाले शैक्षिक सत्र में जब नियुक्ति होगी तो उनको प्राथमिकता दी जा सकेगी। हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि
नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी उसमें पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। और आज जो जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर मांगी गई है उससे ये चीज पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है। हालांकि इस पत्र के और जो भी मायने हैं जानकारी मिलाकर उसको समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो के माध्यम से आप सभी अतिथि शिक्षक साथियों को अवगत कराएंगे। साथियों, हम इसी तरीके से अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। आप यदि नए हैं, हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इससे अभी जुड़ जाएं ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अतिथि शिक्षकों से संबंधित जो भी है वो आपको समय पर प्राप्त होती रहे। फिलहाल ये पत्र अतिथि शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा खास हो जाता है, विशेष रूप से उनके लिए जो पूर्व से कार्यरत है। विस्तृत रूप से आने वाली वीडियोज में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।